काउंटर कहां हुआ जरा तस्वीर आपको वहां की भी दिखा देते हैं। चलिए ये देखिए, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में ही एनकाउंटर हुआ। ये बाइक आप बदमाश की देख रहे हैं, क्योंकि ये कई सारे बदमाश थे, तीन और साथी थे जो कि घायल हुए थे मंगेश के अलावा। ये वही जगह है, यहीं पर एनकाउंटर हुआ था। ये तस्वीर हम आपको सुल्तानपुर की ही दिखा रहे हैं, यहीं पर वो घटना भी डकैती की हुई थी, लूट की हुई थी, और उसके बाद यहीं पर वो पकड़ा गया। टिप मिली थी पुलिस को कि ये यहाँ से निकल रहा है, और ऐसे में पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंची, एसटीएफ साथ में मौजूद थी, और उसके बाद जब पकड़ने की कोशिश की गई तो ये भागने की कोशिश करने लगा, क्रॉस फायर करने लगा, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया। और ये एसटीएफ की टीम आपको दिखा रहे हैं। खेत में देखिए अपराधी मंगेश की बाइक कहां पड़ी हुई है, ये भी आप तस्वीर में देख रहे हैं, और ये एसटीएफ की टीम है जिसने सफलता हासिल की, एनकाउंटर किया और उस अपराधी को पकड़ लिया पहले। उसके अलावा जो तीन और शख्स थे वो भी पकड़ा गया है। तो ये पूरा ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट किया गया है, चलिए अब ये जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। धर्मेश साई जो डीएसपी हैं, जिन्होंने जिनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया, सुनिए उनका क्या कहना है। 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें दो बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था। तो एसटीएफ ने यह ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद देखिए भड़क गए हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने इसमें एक नया एंगल निकाल दिया, उन्होंने जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया। आजकल अखिलेश बहुत से बयान दे रहे हैं, कल हमने आपको दिखाया था कैसे बुलडोजर एक्शन का जिक्र उनकी तरफ से हुआ था, और अब उनकी तरफ से दूसरा बयान दिया गया। लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं जब लूट की वारदात को अंजाम जब दिया गया, उस घटना की तस्वीर आपको दिखाए कैसे बेखौफ होकर महज 10 मिनट लगे। देखिए ये तस्वीर आप सुल्तानपुर की देख रहे हैं, 28 अगस्त को जब लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, तो कैसे ज्वेलरी शॉप के अंदर ये पहुंचते हैं, और देखिए पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, और ये संख्या भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने अपराधी, 5 अपराधी थे, 5 नकाबपोश बदमाश थे जो पहुंचे, और उन्होंने कैसे बंदूक की नोक पर ये लूट खसोट की है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। 3 बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए थे, 1 अन्य बदमाश ने पहले सरेंडर किया, और ये जो मुख्य आरोपी था इसे ढेर कर दिया गया है। ज्वेलरी शॉप में लूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे लूट हुई है, 5 नकाबपोश आते हैं और तुरंत 10 मिनट के अंदर बंदूक की नोक दिखाते हैं, और कैशियर से सारा पैसा सारी ज्वेलरी लेकर वो फरार हो जाते हैं, जिसके बाद जांच को तेज किया गया। और जब एसटीएफ को ये टिप मिली कि मंगेश इस रास्ते से गुजर रहा है, सुल्तानपुर में ही छिपा हुआ है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं उसी घटना की, 28 तारीख की, जब इस लूट की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। तो अब एनकाउंटर तो हो गया, और अब अपराधी को लेकर एक अलग ही कार्ड खेला जाने लगा है अखिलेश यादव की तरफ से, बहुत हमदर्दी दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर एक नई सियासत शुरू कर दी अखिलेश यादव ने। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश ने प्रश्न खड़े किए, सवाल खड़े किए। 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उन्हें गुस्सा आ रहा है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। डकैती के आरोपियों का सत्ता पक्ष से संबंध, ये बड़ी सी बात कह दी अखिलेश यादव ने कि जो डकैती के आरोपी, जो ये कुछ 5 बदमाश थे जिनकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, उनका सत्ता पक्ष से संबंध है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। और नकली मुठभेड़ से पहले मुख्य आरोपी का सरेंडर करा दिया गया। देखिए इस मामले में 1 आरोपी का सरेंडर हुआ है, उसका जिक्र यहां अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं। और जाति देखकर मंगेश यादव को लेकर यहां पर तंज कसा है अखिलेश यादव ने कि जाति देखकर मुख्य आरोपी की जान ली है, रक्षक को भक्षक बना देते हैं नकली एनकाउंटर। तो ये जो पूरी घटना हुई है, जो पूरी मुठभेड़ हुई है, उसे नकली बता रहे हैं अखिलेश यादव। सरेंडर के बाद गोली मारी गई है, ये वो ऐसा लग रहा है कि शायद जब ये एनकाउंटर चल रहा था तो अखिलेश यादव वहीं मौजूद थे, उन्हें सब पता है, ऐसा लग रहा है। अपराधियों का अमृत काल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव के ये बड़े बड़े दावे सामने समझ में आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कुछ और कहा है जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल ट्वीट किया उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्वीट करके ये कहा है, ये बड़ी बातें कह दी, आपको ट्वीट दिखा देते हैं। पहले देखिए, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, कह रहे हैं कि गहरा संपर्क था, कनेक्शन था।
इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। जो एक आरोपी जिसने सरेंडर किया है उसको लेकर प्रश्न खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर मंगेश यादव का यहां पर जिक्र है, जात देखकर जान ली गई है। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है, समाधान नकली एनकाउंटर नहीं असली कानून व्यवस्था है, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने मंगेश यादव का अपराध यहां नहीं देखा है, वो अब बात कर रहे हैं कि उसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है इसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि किसी भी अपराधी को सजा अपराध देखकर दी जाती, कानून में भी ऐसी ही व्यवस्था है, लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि उपचुनाव करीब है, 27वें जीत की बात कर रहे हैं, तो उनका एंगल ही अलग हो गया है, उनकी बात ही अलग हो गई है। और इसको लेकर उन्होंने किस तरह से अपने ही अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें जवाब भी दे दिया है, चलिए वो जानकर अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एकदम सीधी सीधी लड़ाई सी दिख रही है। सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा हमला किया है, जाति के आरोप पर अखिलेश पर पलटवार कहा है और कहा है कि कुछ लोगों को जाति मजहब दिखता है, जाति मजहब ही दिखता है, ये लोग समाज बांटने का काम करते हैं, यानी डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, आरएसएस और वीएचपी देश को जोड़ रही है, ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो जिस तरह से जाति को लेकर प्रश्न खड़े किए गए हैं, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अपराध करोगे तो भुगतोगे, जाति यहां नहीं देखी जा रही, अपराध देखा जा रहा। अखिलेश यादव ने क्या कहा है सुनवाएंगे आपको, क्योंकि उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कह दी गई हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कहा है अखिलेश यादव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि अपराध पर नो माफी, जो नीति है उसी पर चलेंगे और जैसा कड़ा संदेश दिया है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधियों से इतनी हमदर्दी क्यों है अखिलेश यादव को, रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को कुख्यात डकैतों ने दिन दहाड़े ऐसा आतंक मचाया था जिसकी सूबे भर में खूब चर्चा हुई थी। दिन दहाड़े ही 5 नकाबपोश डकैत ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों के जेवरात लूट ले गए थे। डकैती के आरोपी मंगेश यादव और उसके 4 साथियों को पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी, और जब सुल्तानपुर पुलिस की तलाश पूरी हुई तो 1,00,000 का वांटेड इनामी अपराधी मंगेश यादव ढेर कर दिया गया और उसके 3 साथी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। यानी सुल्तानपुर लूट की वारदात का मास्टरमाइंड मंगेश यादव मारा गया, और अब उस खूंखार अपराधी के एनकाउंटर पर विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी ने सियासत भी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने 1,00,000 के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं और उस पर हमदर्दी भी दिखा रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि मंगेश यादव का एनकाउंटर उसकी जाति देखकर किया गया है, जात देखकर मंगेश यादव की जान ली गई है, जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप योगी सरकार पर अखिलेश लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश के जाति वाले आरोप पर बीजेपी भी करारा पलटवार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर निरंतर अपराध बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखें तो लूट, डकैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़खानी, ये निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं।
सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाती रहती है केवल कुछ सनसनी फैला करके। केवल सनसनी फैलाने से आप चर्चाएं तो बना सकते हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, लेकिन अपराध उससे रुकता नहीं है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव, जो 1,00,000 रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी का मातम मनाना बहुत लाजमी हो गया है। ट्वीट करके वो दुहाई देने लगे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। यह अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है? ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर कहीं भी अपराध घटित हुआ है तो उसमें कठोरता से कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव समेत पूरी सपा फिलहाल बीजेपी और योगी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अपराधी के एनकाउंटर पर इतना दर्द क्यों? बदमाशों से समाजवादी पार्टी को हमदर्दी क्यों? लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में जाति की बात कहकर यूपी की राजनीति को फिर गरमा दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।